सबको राम राम। तो आप सबको पता है कि आज है 22 मार्च और आज से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं और मैंने पूरे 9 माता रानी के व्रत रखे हैं और आज है ये माता रानी हमारे घर पे और मैंने सजाई है बहुत अच्छी माता की चौकी। तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ माता की चौकी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी माता की चौकी मैंने कैसे सजाई है। ये रही मेरी माता रानी, इधर बैठी है। ये देखो मेरी माता रानी आई है और मैंने ये माता की चौकी सजाई है और यहाँ मैंने ये जो बो दी है और ये जोत जल रही है माता रानी की। तो कमेंट करके बताना आपको मेरी माता की चौकी कैसी लगी। ये देखो, और आप सबको पता है कि मैं नीचे सोती हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आपको, जब पिछले मैंने नवरात्र रखे थे तो उस व्लॉग में मैंने बताया था आप सबको कि मैं 9 व्रत रखती हूँ तो माता रानी के, तो मैं नीचे अपना बिस्तरा लगाती हूँ और नीचे सोती हूँ माता रानी के पास। तो आज भी रात को यही बिस्तरा लगेगा माता रानी के पास और 9 दिन मैं रहूँगी अपनी माता रानी के साथ और माता रानी रहेंगी अपनी भक्तों के पास माता रानी। और मैंने जलाई अखंड जोत, ये देखो मैंने बनाई है ये नाले की जोत कलावे की। ये देखो माता रानी की कलावे की जोत आई है मैंने अब की बार। और पूरा ध्यान रखना पड़ता है, आप सबको पता है कि अखंड जोत जलाते हैं तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अखंड जोत जलाते वक्त पूरे आप सबको पता होगा, अगर नहीं किसी को पता है तो वो भी सुन लो, अगर अखंड जोत लगाई है हमने तो घर को कभी भी लॉक करके नहीं जाना है। किसी को भी अगर किसी ने अखंड जोत लगाई है व्रत रखे हैं तो घर में लॉक लगा के नहीं जाना है, किस कोई ना कोई घर पे रहेगा, अगर जरूरी काम है तो दूसरे को छोड़ दो और अपने आप चले जाओ, नहीं तो 9 के 9 दिन माता रानी का खुला दरबार रहता है और खुले अपने घर के दरबार भी रखने हैं आपको, ठीक है। तो यही बताना था मेरे को व्लॉग में और शाम को जो अपना मैं खाना बनाऊँगी वो भी आप व्लॉग में दिखाऊँगी। तो ठीक है, सबको राम राम, जय माता।